माय चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। ठीक है, एक्सेल क्या होता है हमने प्रीवियस क्लास में जो है हमने पढ़ा, एक्सेल के फीचर्स हमने पढ़े। ठीक है, हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एक्सेल इज अ कमर्शियल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन रिटन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट टूल कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एनालाइजिंग डेटा and integrating information from different program. Okay, by default documents saved in Excel 2010 are saved with the .xlx extension. How to get started with Excel? Click the start button, click the all program option from the menu, search for Microsoft Office from the sub menu and click it. Search for Microsoft Excel 2010 from the sub menu and click it. Simple humne तरीका है हमारे पास। हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, हम तो जाएंगे ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एमएस एक्सेल जो है वहाँ पे अवेलेबल है। दिस विल लॉन्च द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 एप्लीकेशन एंड यू विल सी द फॉलोइंग विंडो। यू विल सी अ डार्क बॉक्स अराउंड वन ऑफ द लाइटर कलर बॉक्स ऑन द स्प्रेडशीट। This means that a cell is selected and you will be able to enter information in that space. हमने पढ़ा था कि जब एक्सेल की शीट है, एक्सेल की शीट कॉलम्स एंड रोज में कंसिस्ट होती है, तो जब हम उस पर सेलेक्टेड जो हमारा सेल होता है, इसका मतलब होता है कि वो जो सेल उस पर हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से होता है, इस पर हम डेटा को जो है इनपुट जो है हम करा सकते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमने फीचर्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइटल बार। क्या होता है टाइटल बार? टाइटल बार जो होता है वो आपके फाइल के नेम को एंड एप्लीकेशन के नेम को शो करता है, दिखाता है, कंटेन करता है। अब हम बात करेंगे कि फाइल का नेम एंड एप्लीकेशन का नेम क्या होता है। फाइल का नेम क्या होता है? एक्सेल जो है, एक्सेल में आपकी जो डिफॉल्ट में फाइल नेम होता है वो होता है बुक नंबर 1। ठीक है, आप एक्सेल है, एक्सेल की जो एप्लीकेशन है आप इसमें काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन नेम क्या हो जाएगा? एमएस एक्सेल सेम। अब हम बात करेंगे कि जो फाइल नेम है वो चेंज कैसे होगा। फाइल नेम जो है, जब आप अपनी फाइल को सेव करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जिस नाम से आपने अपनी फाइल को सेव किया है वो वहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, जो आपका टाइटल बार है वो साथ में आपके रिस्टोर के बटन्स भी शो करता है। रिस्टोर के बटन कौन कौन से होते हैं? आपके होते हैं मिनिमाइज एप्लीकेशन, मैक्सिमाइज एप्लीकेशन एंड क्लोज एप्लीकेशन। ओके, तो ये सब कौन कंसिस्ट करता है? आपका टाइटल बार। फिर हम बात करेंगे द रिबन मेन्यू सिस्टम। द टैब रिबन मेन्यू सिस्टम इज हाउ यू नेविगेट थ्रू एक्सेल एंड एक्सेस वेरियस एक्सेल कमांड। If you have used previous version of Excel, the ribbon system replaces the traditional menu. अब हम बात कर रहे हैं भाई फाइल मेन्यू की। फाइल मेन्यू जो फाइल टैब है वो क्या क्या है कि in Microsoft Office 2010, the tab called file replaced the office button present in the previous version Office 2007. When you left click on this tab, a drop down menu appears. जब आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो आपके पास फाइल की जो लिस्ट है वो सारी ओपन हो जाएगी, जिसमें सेव, सेवेज, ओपन, क्लोज, न्यू, ठीक है, वो सारे ऑप्शन जो है आपके पास आ जाएंगे। क्रिएट एंड न्यू वर्कशीट, ओपन एंड एक्साइटिंग फाइल। जो आपका फाइल टैब है यानी कि फाइल जो मेन्यू है इसके अंदर न्यू ऑप्शन, ओपन, ओके, एंड आपका सेव, सेव एज, ठीक है, आपका जो ये सारे कंसिस्ट होते हैं, क्लोज, ठीक है, प्रिंट, और इनके अलावा शॉर्टकट भी होती है प्लस एन, प्लस ओ, प्लस एस, ठीक
प्लस पी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फाइल टैब के अंदर हमारे पास से कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर हमें न्यू फाइल ओपन करनी है तो हम न्यू पे जाएंगे, कंट्रोल प्लस एन पे जाएंगे। अगर हमें ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ पे जाएंगे, सेव करना है कंट्रोल प्लस एस पे जाएंगे, सेव एस करना है। सेव एस क्या होता है, सेव एस का मतलब होता है कि हम अपनी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हो। एक तो हमारे पास एग्जिट होता है एंड एक होता है क्लोज, और दोनों में डिफरेंस होता है। एक होता है एग्जिट होता है एप्लीकेशन से बाहर जाना, एंड जो क्लोज होता है वो होता है फाइल से क्लोज करना, ठीक है। फाइल मतलब पेज से क्लोज करना। सकते हैं न्यू, ओपन, सेव और आपका जो क्लोज है और प्रिंट। तो ये ऑप्शन से हमारे पास हमें फाइल टैब में जो है ऊपर जो है शो हो जाएगी। अब बात करें क्विक एक्सेस टूल बार की। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टाइटल बार यू विल सी सेवरल टाइटल आइकन अबाउट द फाइल मेन्यू। आप इसमें क्या कर सकते, आप इसमें जो है आपके आइकन शो होते हैं। एग्जाम्पल, आपको कट कॉपी पेस्ट, अगर अंडू का है आपके आइकन तो अंडू ऊपर आप देख, आप इसमें अपना कस्टमाइज करके भी रख सकते हैं।
जो भी ऑप्शन आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है, आप सिंपल सी बात है, आप क्विक एक्सेस टूल बार में आप उसको क्या कर सकते हो, जो है आप उधर जो है आप इजीली जाके, हमें बार बार लॉन्ग कट ना जाना पड़े और आप उसको यूज कर सकते हो, सच एज सेविंग एंड अनडूइंग विदाउट हैविंग टू फाइंड देम इन अ मेन्यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे होम टैब। होम टैब में आपका क्या क्या शो हो रहा है, आपका फॉन्ट नेम शो होता है, फॉन्ट स्टाइल शो होता है, फॉन्ट साइज शो होता है, फॉन्ट कलर अलाइनमेंट ऑटोसम एंड शॉर्ट। तो अगर आप चाहते हो आप अपनी फॉन्ट का नाम चेंज करना आप कर सकते हो, फॉन्ट का अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो आप वो भी इजीली कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल में हमारे पास थ्री टाइप्स के स्टाइल्स होते हैं, बोल्ड, इटैलिक हमने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमें अगर अपने फॉन्ट का साइज चेंज करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो हम कर सकते हैं। हमें ग्रो करना है वो कर सकते हैं। ओके, कलर हमें अपने सेल्फ है, हमें सेल का बॉर्डर अगर डालना है तो आप अपनी बुक में देखिए ऊपर शो हो रहा है कि हम उसको इजीली डाल सकते हैं। अलाइनमेंट मैंने बताया था फोर टाइप्स के होते हैं अलाइनमेंट, कौन से लेफ्ट राइट एंड सेंटर। अब अलाइनमेंट के साथ साथ आपकी क्या है, आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, जो ये आपका सेल होता है तो सेल पे आप ये जो टेक्स्ट होता है इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, आपके पास ऑप्शन है ये अवेलेबल। ठीक है, फिर आप इसमें आप करेंसी का कोई सिंबल लगाना है तो आप वो लगा सकते हो। आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग फॉर्मेट, अगर आपको अपनी टेबल आपने बनाई है फॉर्मेट चेंज करना है, अगर आपको फॉन्ट एस फॉर्मेट एस टेबल करना है वो आप कर सकते हैं। आपको अपने सेल का स्टाइल चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट करानी है,
क्या आपको सेल इंसर्ट कराने हैं या आपको कॉलम इंसर्ट कराने हैं, तो आप वो कर सकते हो। आपको कोई कॉलम डिलीट करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब जो यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो सम क्या होता है, ऑटो सम से आप फॉर्मूला इजीली जो है, आप फॉर्मूला उसका जो रिजल्ट है वो आसानी से आ जाता है, आप क्विकली हो जाता है, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। ऑटो सम पे क्लिक करो और जो भी है आपके सेल या कॉलम में या आपकी रो में जितने भी नंबर है आप चाहते हो उनको सम करना, तो वो इजीली क्या है वो सम हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट, शॉर्ट का ऑप्शन भी है। शॉर्ट का ऑप्शन में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर देना और डिसेंडिंग ऑर्डर देना। फाइंड एंड सेलेक्ट, फाइंड क्या होता है, फाइंड होता है ढूंढना, ठीक है, और सेलेक्ट करना है आपको, तो आप वो भी जो है इजीली कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इक्वेशन एडिटर की। इक्वेशन जो एडिटर होता है, द इक्वेशन एडिटर इज जनरली फाउंड बिलो द रिबन मेन्यू, द लेफ्ट साइड डिनोट विच सेल इज सेलेक्टेड। तो ये आपको क्या बताएगा, ये बताएगा कि कौन सा सेल आपका सेलेक्टेड है, उसका एड्रेस आपको शो कर देगा। मान लो आपके सेल में कोई आपके सेल में कोई फॉर्मूला लगा, फंक्शन लगा हुआ है, तो एज इट इज जो है वहाँ पे शो हो जाएगा। फिर हमने बात करी थी पॉइंटर की, ठीक है, हमने कि विद ऑर्डर अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम द पॉइंटर ऑफर चेंज इट्स शेप एज यू वर्क इन एक्सेल। तो जो आपके पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स में आपके अलग अलग टाइप्स के पॉइंटर हैं और उनके अलग अलग एक्शंस जो है आपकी बुक में दिए गए हैं, ठीक है। ईच पॉइंटर शेप इंडिकेट अ डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन, दिस टेबल शो द वेरियस पॉइंटर शेप यू मे सी व्हाइल वर्किंग इन एक्सेल, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंटर डेटा इन अ वर्कशीट। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो आपको एक वर्कबुक के अंदर आपको 3 शीट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू एंटर डेटा, टाइप द डेटा इन द सेल, प्रेस एंटर और टैब टू मूव टू द नेक्स्ट सेल। अब हम बात करेंगे टेक सेलेक्ट सेल और रेंज इन ऑर्डर टू कम्प्लीट मोर एडवांस प्रोसेस इन एक्सेल, यू नीड टू बी एबल टू हाईलाइट और सेलेक्ट सेल रो एंड कॉलम। देयर आर अ वराइटी ऑफ वे टू डू दिस, सी द टेबल बिलो टू अंडरस्टैंड द ऑप्शन। हमारे पास टेबल है लिखा हुआ है टू सेलेक्ट एंड डू दिस, यानी कि जब हमारे पास कोई सिंगल सेल होगा तो हम क्या करेंगे, क्लिक द सेल और प्रेस द एरो की टू मूव द सेल। और अगर आपको रेंज करनी, रेंज ऑफ सेल है, तो क्लिक द फर्स्ट सेल इन द रेंज, देन ड्रैग टू द लास्ट सेल और होल्ड डाउन शिफ्ट व्हाइल यू प्रेस द एरो की टू एक्सटेंड द सिलेक्शन। अ लार्ज रेंज ऑफ सेल, क्लिक द फर्स्ट सेल इन द रेंज एंड देन होल्ड डाउन शिफ्ट व्हाइल यू क्लिक द लास्ट सेल इन द रेंज, यू कैन स्क्रोल टू मेक द लास्ट सेल विजिबल, ठीक है। आपके पास ये जो बुक है, बुक में आपकी ये पूरी टेबल बनी हुई है, ऑल सेल ऑन अ वर्कशीट, नॉन एग्जैक्ट सेल, एंटायर रो कॉलम्स, नंबर्स, नॉन एग्जैक्ट रो और कॉलम, सेल टू द लास्ट यूज सेल ऑन द वर्कशीट लोअर राइट कॉर्नर, सेल टू द बिगनिंग ऑफ द वर्कशीट, ओके। कटिंग कॉपिंग एंड पेस्टिंग डेटा, मैंने आपको बताया था कि जब जो आपकी फाइल है ऊपर जो ये मेन्यू है इधर आप देखोगे तो यहाँ पे पेस्ट कट एंड कॉपी का जो है वो ऑप्शन ऊपर अवेलेबल है। तो व्हेन यू आर टाइपिंग इन योर स्प्रेडशीट इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल एंड पेस्ट इन इनटू अनदर। दिस सेल This can help reduce the amount of typing you have to do. As
as well as limit the number of typographical error, cutting, copying and pasting the content of cell in Excel is very similar to the way you do it in Microsoft Word. These all commands are assembled from the home tab on the ribbon पर आपके जो options हैं वो यहाँ पे show हो रहे हैं. To cut the content of a cell, click on the cell to select it. Then click on the cut button on the home tab. You will see the border of the cell turn into title. The content are now on the clipboard, ready for you to paste them somewhere else. To paste the cut selection somewhere else, click on the cell. अब मान लो आपको कट करना है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है. तो सबसे पहले आपको अगर पेस्ट करना है तो आप उसको पहले क्या करोगे, कॉपी करोगे. कॉपी करने के लिए आप सिंपल कंट्रोल प्लस सी का आप यूज कर सकते हो. कंट्रोल प्लस सी या आपके जो रिबन है, रिबन होम पे जो रिबन है उस पर आपका ऊपर आइकन बना हुआ है. पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी एंड कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का जो है आप इजीली यूज कर सकते हो. कॉपी करने के लिए पहले आपको पेस्ट करने के लिए पहले आपको कॉपी उसको रिफाइन करना पड़ेगा और फिर आप उसको पेस्ट कर सकते हो. ओके, पेस्ट कर सिलेक्शन समवेयर एज, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू सिलेक्शन टू गो, देन क्लिक ऑन द पेस्ट बटन ऑन द होम टैब. द सिलेक्शन विल नाउ अपीयर इन द न्यू सेल एंड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सेल. To copy the content of a cell, simple follow direction above but replace the cut command with copy. This will lead to content of original cell in the place to make an exact copy of them in another cell. Okay students, तो आपको cut करना है, copy करना है, paste करना है तो आप इसलिए या तो shortcut से कर सकते हो या home tab पर जो ribbon है उस पर आपके icons ऊपर display हो रहे हैं, आप उनकी help से कर सकते हो. ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमने जो है एक्सेल के बारे में पढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, एक्सेल में जो फाइल्स हैं, टैब है, वो किस तरीके से जो है वो काम करते हैं. आपकी बुक है, आप प्लीज़ उस बुक को खोल के पढ़ो, उस पर बहुत सारी जो है पूरा चैप्टर है आपको अच्छे से रीड आउट करना है, अच्छे से पढ़ना है, तब ये जो है समझ में आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसी चैप्टर को आगे जो है कंटिन्यू जो है हम करेंगे.